अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही फेमस ब्रेकफास्ट रेसिपी मसाला डोसा। ये एक साउथ इंडियन रेसिपी है, अक्सरियत में इसे पसंद किया जाता है और ये बहुत टेस्टी होती है। तो आइए बनाते हैं झटपट और आसान तरीके से। सबसे पहले हम लेंगे 2 कप सोना मसूरी चावल, आप यहाँ पर कोलम चावल भी ले सकते हैं। 1/2 कप माश की दाल, इसे उड़द दाल भी कहते हैं। 3 टेबलस्पून चने की दाल, 1/2 कप पोहे, 1/4 टीस्पून मेथी दाना, इसे ऐड करने से डोसे का कलर अच्छा आता है और इसे 3 से 4 पानी से अच्छे से धो लेंगे। बस इसका प्रिपरेशन ही होता है जो हमें एक दिन पहले करके रखना पड़ता है। बस ये हो जाए तो 2 से 5 मिनट में बन जाते हैं। देखिए, मैंने इसे 3 पानी से धो लिया है और इसे भीगने के लिए रख देंगे 3 से 4 घंटे के लिए। देखिए, 3 घंटे हो चुके हैं और दाल चावल अच्छे से फूल गए। लेते हैं एक मिक्सर जार और इसमें डालेंगे दाल चावल और इसी में ऐड करते हैं 3 से 4 टेबलस्पून पके हुए चावल। इसे ऐड करने से खमीर अच्छा आता है और इसे कवर करके ग्राइंड कर लेंगे और इसमें ऐड करते हैं 2 से 3 टेबलस्पून पानी और मिक्स करेंगे और इसे ग्राइंड करके एक स्मूथ सा बैटर तैयार कर लेते हैं। देखिए, बैटर तैयार है, इसकी कंसिस्टेंसी बराबर लग रही है। इसे एक बड़े से बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे मिक्स करके कवर करके ओवरनाइट रख देंगे। देखिए, मैंने इसे ओवरनाइट रख दिया था और बहुत अच्छा खमीर आ चुका है। अब इसे आप चाहे तो 2 से 3 दिन तक फ्रिज में रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बनाते हैं डोसे। डोसे बनाते वक्त ही नमक ऐड कीजिए, 1 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ और इसे मिक्स करके इसे रख देते हैं एक साइड में और आलू का मसाला तैयार कर लेते हैं। कढ़ाई को गर्म करेंगे, इसमें ऐड करते हैं 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। ऑयल गरम हो गया, इसी में ऐड करते हैं 1/2 टीस्पून राई, 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 2 से 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 8 से 10 कड़ी पत्ते और मिक्स कर लेंगे। 1 मीडियम साइज़ का प्याज बारीक कटा हुआ, ये भी ऐड कर देते हैं और प्याज को सॉफ्ट होने तक फ्राई करेंगे। और अब ऐड करते हैं 1/4 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसे भी मिक्स करेंगे। 1 मीडियम साइज़ का टमाटर बारीक कटा हुआ डालकर इसे भी मिक्स कर लेते हैं और कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून पाव भाजी मसाला, 1/2 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर और 1/2 टीस्पून नमक डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। 1 कप मटर बॉईल किया हुआ और 500 ग्राम आलू, इसको उबाल कर मैंने छिलका हटाकर मैश करके रख लिया था, ये भी ऐड कर देंगे और इसे मैशर से इस तरह से मैश कर लेंगे। देखिए, सब्ज़ी बनकर तैयार है। इस पर डालते हैं हरा धनिया बारीक कटा हुआ और मिक्स कर लेंगे और सब्ज़ी को रख देते हैं एक साइड में। अब बनाते हैं डोसे। अब लेते हैं एक पैन और बनाते हैं डोसा। इसका सरफेस ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, उसके बाद इस तरह पानी की बूंदें छिड़केंगे और गीले कपड़े से पोंछ लेंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। ये करने से हमारे डोसे पैन पर चिपकेंगे नहीं। डोंगा चम्मच भरकर इस तरह से डालते हैं, इसे डोंगे चम्मच से एक जैसा स्प्रेड करना है। देखिए कैसे रिंग्स नज़र आ रहे हैं और इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे और इस पर डालते हैं 1 टेबलस्पून मेल्ट किया हुआ बटर। आप चाहे तो तेल भी डाल सकते हैं और इस पर सब्ज़ी डालकर फोल्ड कर लेंगे। देखिए इस तरह से, देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आया है। और इसी तरह से हम सारे डोसे बनाकर तैयार कर लेते हैं। पर इस तरह से सब्ज़ी फैला लेंगे
और इसे भी फोल्ड कर देते हैं। मैंने इसे आलू की सब्जी, कोकोनट चटनी और केचप के साथ सर्व किया है। तो व्यूअर्स, हमारे टेस्टी और क्रिस्पी मसाला डोसा बनकर तैयार है। आप देखकर समझ ही गए होंगे ये कितना लाजवाब बना है और इसे बनाना भी कितना आसान है। तो आप इसे ज़रूर बनाइए और कमेंट करके बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।